जैसे कि पंजाबी में एक बोलते हैं जी, घर वाले जैसे कह रहे थे कि जा जा के कणक बीज आ पैली च, तो कणक बीजन आया हूँ पैली च बीजने। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आप सौखरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि आपको पता है जी, इस दिनों में गंदम की काश्त की जाती है, तो वो करने के लिए आज हम माया खेतों के अंदर, तो आज आपका भाई भी करेगा, तो ये आप देख ही रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तजीब भाई, ये क्या लेके आए? ये भाई जान, ये मौसमी है और ये माल्ट है। अभी माल का दिया, ये देखें, तभी खाएंगे तो पता चलेगा कैसा। ट्रैक्टर वाला आगे एक बार जो है हल जो है चला गया, तो अभी बीज हम खिला रहे हैं और दूसरी बार फिर आके ऊपर से वो हल चढ़ाए। मैं भी गोगे ने आख्या ला ही, मैं तीन गल पता नहीं घर है कि खिला उधर ही। तो जी अभी तजीब भाई आ गया और वो हेल्प कर रहा साथ। और जैसे कि इन दिनों में गांव में हर तरफ जो है काश्त की, हर बंदे इसी काम में मसरूफ़ है इन दिनों में, तो यही काम ये 5-7 दिन और ये काम होगा। और तजीब भाई काफ़ी जोश में लगे हुए हैं, तो अभी कुछ ही देर में काम जो है कंप्लीट कर देंगे। और हर तरफ ट्रैक्टरों का शोर है इन दिनों में। तो तजीब भाई मैं अभी मैं खिला रहा हूँ, आप आ जाए तो आ जाए आप। तो अभी मसाला खिला रहे हैं, हाँ मसाला खिला लेना, ठीक है। चलो ओके हो गया, तो अभी आपको भाई खिला रहेगा फिर। तो ये जो बीज है जी, वो आगे बन है, उसके पास जाना है, काफ़ी दूर है, तो ये वहाँ छोटा सा खेत है हमारा, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके खिला रहेंगे। तजीब भाई ने जो बीज है वो उठा लिया और मेरे हिस्से में जो आया है, मेरे हिस्से में ये है जी खाली थोड़ा। तजीब भाई ने काफ़ी वजन उठाया हुआ है। तजीब भाई काफ़ी वजनी है तकरीबन, कितना होगा तकरीबन?
अंदाजन होगा 30 किलो 30 किलो बस यार ज्यादा तो नहीं है फिर नहीं नहीं ज्यादा तो नहीं तो आप कभी सर पर रखते हैं कभी मोंडे पर रखते हैं बस न आवाजारी जाती है हमें आवाजारी क्या होता है मसलन तकलीफ होती है तकलीफ यार तकलीफ क्यों होती है चलते हुए वजन उठा के चलते हुए कंधे से नीचे आ जाता है ना इसलिए सर पे उठाता हूँ कभी अच्छा वहाँ जाते जाते थकावट हो जाएगी मैं उठा लूँ नहीं नहीं ले जाऊँगा इतना काम ही है हाँ है तो काम ही है यार 30-35 किलो होगा हाँ 30 होगा तकरीबन तो जी ये खेत है जो गांव से काफी दूर है दूध खत्म है तो ये जी सामने नजर आ रहा है आपको जीरो लाइन है आपको जूम करके बताता हूँ खैर छोड़ो जूम करके भी इतना नहीं नजर आएगा क्योंकि खेत तो पास ही है तो मैं पास जाके आपको बताता हूँ तो ये जी हम आ गए अपने खेत के अंदर जी भाई ज्यादा थकावट तो नहीं हाँ हुई हल्की हल्की यार मुझे भी होगी है मैंने भी ये थोड़ा उठाया हुआ था थैंक यू फट गया ये आपने पूरे जोर से फेंका तो वो थोड़ा फट गया देख लो ज्यादा थक गया मुझे लगता है हाँ मुझे महसूस हो रहा है क्या महसूस हो रहा है मैं मुझे थकावट होगी ज्यादा थकावट होगी तो अभी कुछ ही काम है थोड़ी देर का फिर चलते हैं गाँव तकरीबन 10 मिनट का काम है ये छोटा सा खेत है तो यहाँ 10 से 15 मिनट लगेंगे तकरीबन ज्यादा काम था वो उधर था वो कार कंप्लीट कर रहे हैं ये जहाँ ज्यादा पौधे नजर आ रहे हैं वहां से यहाँ आए हैं और इसके आगे हमारा गांव है तो ये खेत है जो गांव से काफी दूर है और ये जो आपको नजर आ रही है और ये जो आपको बन नजर आ रहा है ये तोड़ ये कम्प्लीटली हमारा तो जी इधर पाकिस्तान है और इस बॉर्डर के आगे जो है इंडिया है तो ये जीरो लाइन है तकरीबन यहाँ तक ही हमारी हदूद है इसके पार जो है इंडिया और ये पाकिस्तान यार ये क्या कर दिए तो ये देखें ये मसाला है और ये गंदम का जो बीज है वो है तो जी मिक्स करना था तो मिक्स करने के लिए जो कपड़ा कोई चाहिए था तो वो हम लेके नहीं आए याद नहीं रहा वो वहाँ ही रह गया तो तसीब भाई कह रहे थे नीचे मिक्स कर लेंगे तो अभी एक साथ मिक्स करके फिर खिला लेंगे तो ये मसाला जो है बीच में जम गया यार तसीब भाई ये काम हमारा बढ़ नहीं गया आगे से क्यों जैसा जहाँ 10-15 मिनट लगने थे यहाँ तो आधा घंटा लगेगा यार नहीं नहीं तकरीबन आप 10 मिनट की बात है यार अभी नीचे से उठाएंगे नीचे से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितनी जल्दी जो है ना इसको फेंक देंगे खेत के अंदर अब वो तो है क्योंकि थकावट हो गई आगे भी फेंका यार काफी टाइम लगे चलो आप डालें मैं डालूं आप खिला ले मैं डालता हूं आहो आप डालो मैं खिला ठीक है बता देना कितना जितना उठा लूंगा है क्या पता आप कितना उठाएंगे तो आधा कर दो ना एक बार में आधा खिला लूँगा आधा फिर तो जी तजीब भाई इस काम में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़िम्मेदारा खेतों के काम में तजीब भाई जो है काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं मैं तो ज़्यादा नहीं करता क्योंकि तजीब भाई ने जानवर जो है भैंस वगैरह भी काफ़ी रखी हुई हैं तो ये काम जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग में सकते हैं तो वो भैंसें जो हैं जूम करके बताएंगे जूम नहीं होगा यार इधर से तो अपासी तजीब भाई की भैंसें जो है वो चराई जा रही हैं तो वो एक आदमी जो है वो रखा हुआ है इन्होंने स्पेशली भैंसों को चारा वगैरह डालने के लिए तो काफ़ी भैंसें रखी हुई हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं और तजीब भाई का जो तजर्बा है ना इस काम में मुझसे दुगना त्रुगना समझ लें तो आपको इनकी भैंसें दिखाते हैं कितनी भैंसें हैं तजीब भाई आपकी तकरीबन हैं 6-7 हैं 2-3-4-5-6-7-8 हैं यार 8 हैं एक छोटा है ना अभी चलो वो भी 3 छोटे हैं और 4 जो बड़े हैं 4-5 बड़े हैं और 3 छोटे हैं अब दिखाएं इन्हें तो अभी दिखाते हैं तो जी ये भैंसे हैं ये चेक करें ये जूम करके दिखा दिया आपको तो ये जीरो लाइन पे चरा रहे हैं ये देखें ये आगे बॉर्डर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो तुम भाई डालो यार और
मेरी गली आ जाना। अच्छा जी, कौन सा गाना आपका फेवरेट है? मेरी गली आ जाना। मेरी गली आ जाना ये फेवरेट है आपका? छोटी सी गली नहीं इसलिए है। गली तो वाकई में छोटी, आपको पता है हमारी छोटी सी गली है। गली तो छोटी सी है आपकी, इसलिए मैं कहता हूँ। मोहल्ला भी छोटा है यार, तकरीबन हमारा गांव छोटा है यार। मोहल्ला गली तो छोड़ो, छोटा सा गांव है अपना, तो गांव छोटा है लेकिन उसमें बहुत मजा है। मजा तो बहुत है यार, आपको भी पता होगा। ये तो बात है, गांव की जिंदगी माशाल्लाह से। अभी आपको कोई कहे कि कहीं बाहर जाकर रहना है शहर में या कहीं दूर, तो आप गांव के बगैर रह सकते हो? नो, बहुत मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन, इसके अलावा नहीं। हाँ ये तो, अभी सियालकोट जाते हो काम पर, जाते हो आप सुबह, जाते हो शाम को, शाम को आ जाते हैं। हवेली में आ जाना, हवेली में आ जाना, हवेली पे आ जाना कातिया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से कनक जो है मुकम्मल हमने बीज लिया सभी खेतों के अंदर, तो अभी इंतज़ार है तो ट्रैक्टर वाले का, तो वो कुछ ही देर में आ जाएगा, तो हम यहीं पर उनका इंतज़ार जो है वो करेंगे। तो अभी तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर जो है ट्रैक्टर वाला आएगा और वो काम जो है उनका है, तो वो कम्प्लीट करेगा। तो जी ट्रैक्टर वाले की कॉल आई है, तो आधे घंटे का टाइम दिया, हम वहीं बैठे हुए थे, तो अभी हम खाना वगैरह खाने घर चले हैं। तो वो कह रहा था कि आधे घंटे तक मैं आऊँगा और फिर खेत में हल चलाएगा। तो अभी ये पास ही नलका है, हाथ पांव धोते हैं और घर चलते हैं, खाना वगैरह खा के आते हैं। पहले गिले करूंगा ना। बस 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 बस, इतना ज्यादा पानी है इसका, काफी पानी है। तो जी अभी हाथ पांव जो है धो लिए हैं, तो अभी घर चलते हैं, घर जाके खाना वगैरह खाते हैं और आधे घंटे बाद आएंगे खेतों के अंदर। तो जी अभी तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम जा रहे हैं खेतों के अंदर, क्योंकि ट्रैक्टर वाला जो है 1.5 घंटे के बाद आया। तो अभी आपके भाई ने खाना वगैरह खा लिया, तो जी भाई ने नहा के कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, तो अभी 1.5 घंटे बाद इसलिए आया क्योंकि इन दिनों में ट्रैक्टर वालों की मांग है, क्योंकि हर बंदे ही गंदम की कास्ट जो है वो कर रहा है। तो ये है जी ट्रैक्टर। तो अभी आपको भाई ऊपर चढ़ के, तसीब भाई और मैं ऊपर चढ़ के ना, हाँ जी दीदी भाई कैसा फील हो रहा है? फील अच्छा ही हो रहा है, नीचे देखें आप कैसे हो रहा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ गंदम की काश्त का काम हमारा मुकम्मल हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ,
और जो नए हैं चैनल पे वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। ये बहुत सारी दुआओं के साथ अली हमजा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।